अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक फंक्शंस। पहले आप वो लर्न कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। बेटा, सिमेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें अगर आप रूट्स की जगह आपस में चेंज कर दें, मतलब रूट्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, फंक्शन की वैल्यू सेम रहे, आपका फंक्शन चेंज ना हो। मतलब अगर आप इसको प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे देखें, जैसे बुक में डिफाइन की गई है, इफ द रूट्स आर इंटरचेंज्ड इन एनी फंक्शन देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर फंक्शन की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, सेम रहेगी, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक फंक्शन। इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख लें कि एक फंक्शन है जिसके अंदर दो रूट्स इन्वॉल्व हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अगर आप अल्फा और बीटा की जगह आपस में चेंज करें, बीटा की जगह पर अल्फा और अल्फा की जगह पर बीटा ले आए, तो बेटा आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखें या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। तो इंटरचेंज करने के बाद भी ओरिजिनल फंक्शन ही आपके पास वापस आ गया, वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है बेटे। तो सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, विद एग्जाम्पल आप लोगों ने पेपर में राइट डाउन करनी है। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी बुक्स पर अगर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के तीन पार्ट हैं। आपको एक ही क्वेश्चन दी हुई है जिसके लिए आपने तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट पार्ट है, आपने इस इक्वेशन को यूज करते हुए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटे। लेकिन ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहां से आएगी, उसके लिए हम सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वही मेथड जो आपने पहले भी सीखा के सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस पी ओवर 1 आ जाएगा, तो 1 डिवाइड होने से माइनस पी ही रह जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, क्यू ओवर 1, अगेन क्यू आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहां से आपके पास दो इक्वेशंस जनरेट हो गई, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों इक्वेशंस को आपने इक्वेशन 1 एंड 2 का नाम दे दिया। अब बेटे क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पर, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। जब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी वो आ जाएगी, ठीक है बेटे। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर की लिया हमने, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया। अब रिक्वायर्ड सिर्फ ये दो चीजें हैं, तो इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पर यही रहने दें, 2 अल्फा बीटा इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पड़ा हुआ है आपके सामने, ठीक है, तो इस अल्फा बीटा की जगह इक्वेशन 2 से आप क्यू पुट कर सकते हैं इस अल्फा बीटा की जगह, आगे रीजन भी लिखती बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो बेटे ये बहुत इजी काम है, जैसे अगर क्यूब का फॉर्मूला हो, यहां पर अगर रूट्स का क्यूब आ जाए, तो फिर आपने देखना है कि क्या मैं कुछ कॉमन हम ले सकते हैं या मुझे क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन के पार्ट को देख के आपने डिसाइड करना है कि आपने किस चीज की हेल्प लेनी है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, फॉर सेम इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या है, अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्यूब। अब यहां पर अगर अकेला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता तो काम तो बहुत आसान था, आप इजीली क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर सकते थे। लेकिन अब यहां पर गौर से देखें, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, अल्फा और बीटा दोनों कॉमन है। हमने जैसे ही कॉमन लिया, क्यूब वाली टर्म स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। अब आप इस टर्म को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आप यहां पर आराम से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये आपका फर्स्ट पार्ट जो भी आपने देखा, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट पार्ट वाला मेथड करें सारा, यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें और यहां प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू पुट कर दें, आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अब डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि बेटा फर्स्ट पार्ट में आप लोग इसी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं।
फिर से स्क्वेयरिंग की इक्वेशन वन की, क्यों? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है यहां पुट करने के लिए। जब स्क्वायर लिया, टू अल्फा बीटा इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेकर गए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर क्या आ गया? पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। यही आप जहां तक अभी आपका फर्स्ट पार्ट दोबारा से चल रहा है, ठीक है। अब जब ये वैल्यू निकाल ली, आफ्टर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नाउ यू विल रिप्लेस ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में अब ये देखें, इक्वेशन ए लिखी, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्यू लिख दिया बाय यूजिंग इक्वेशन टू, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी जो भी आपने आंसर निकाला है, और फिर मल्टीप्लाई करें या ना करें, बस आपका फाइनल आंसर क्या है, आपने जो एक्सप्रेशन उसने आपसे मांगा था उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट जो है बेटा, ये मैंने आपको सॉल्व नहीं करके देना है, इसका हिंट सुन लें, ये एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। लेकिन अब आपको फ्रैक्शन में दो चीजें सम अप करके देनी है, इस एक्सप्रेशन की अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की। सिंपली क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, न्यूमिनेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो न्यूमिनेटर आपका फर्स्ट पार्ट बन गया, डिनोमिनेटर आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। तो बेटा ये न्यूमिनेटर की वैल्यू आपने पहले पार्ट में कैलकुलेट की, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी आपने दोनों पार्ट्स में कैलकुलेट की है, सेम वही काम करें। अब सम ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करें, सम ऑफ द रूट्स वाली इक्वेशन का स्क्वायर लें दोनों तरफ, वहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का आंसर पी स्क्वायर माइनस टू क्यू आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्यू है, तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है बेटे, तो बहुत इजी प्रोसीजर है, जब भी फ्रैक्शन वाले टर्म्स आपसे पूछी गई हो सिंपली एलसीएम ले लिया करें, एलसीएम लेके देखें कि अब मैं क्या क्या चीजों की आंसर्स इजीली कैलकुलेट कर सकती हूं या कर सकता हूं, फिर बेटा आप इजीली कर लेंगे काम। बस आपको एक दफा चीजों का आइडिया लेना है, फिर चाहे किसी भी किस्म का पार्ट आपके सामने आ जाए आपको डिफिकल्टी नहीं होगी सॉल्व करने में। अब बेटे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू देखें, उसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन दी हुई है जिसके लिए इतने सारे पार्ट दिए हुए, हर पार्ट में आपने ये देखना है कि आपने इस पार्ट की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट देखें, ये फिर से फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन के लिए क्या किया करें, एलसीएम ले लिया करें, तो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा का अगर आपने एलसीएम लिया, तो न्यूमिनेटर में बीटा प्लस अल्फा और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब न्यूमिनेटर सम ऑफ द रूट्स आ गया, डिनोमिनेटर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया, तो बेटा बहुत ईजी बन गया। अब सिंपली सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करें बाय यूजिंग माइनस बी ओवर ए, माइनस फाइव माइनस माइनस फाइव डिवाइडेड बाय फोर, फॉर्मूले वाला नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइव बाय फोर आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए सी ओवर ए का फॉर्मूला यूज करें, सिक्स बाय फोर, उसको सिंप्लीफाई करके थ्री बाय टू आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। अब जब आप ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे, न्यूमिनेटर में फाइव बाय फोर सम की वैल्यू और डिनोमिनेटर में थ्री बाय टू, फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में वैल्यूज मौजूद है वो इन्वर्ट हो जाएंगी, इन दोनों को आप आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो यहां टू आ जाएगा, थ्री टू से मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में सिक्स आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट पार्ट्स के मैं आप लोगों को हिंट्स दूंगी, सॉल्व वो आप लोगों ने खुद करने हैं, सम और प्रोडक्ट की ही वैल्यूज को हर बार यूज करना है। लेकिन हर बार क्या होगा, ये जो एक स्टेप की सिंप्लीफिकेशन है ना, ये होगी, ये जो एक स्टेप की सिंप्लीफिकेशन है ये मैं आपको हर पार्ट के लिए मेंशन कर देती हूँ, फिर आगे फर्दर सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। अब बेटे इसी क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट देखें, आप लोगों ने खुद करना है, मैं आपको फोर्थ पार्ट इसके बाद करवाऊंगी। वही क्वेश्चन है, वही सम ऑफ रूट की वैल्यू होगी, वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू होगी। सेकंड पार्ट देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा हुआ हो तो आप ए बी होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस पूरे का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, अगर स्क्वायर अप्लाई करें तो दोनों का सेपरेटली स्क्वायर आ गया। तो बेटा इस पार्ट में तो आपको सम ऑफ द रूट्स कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ना, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकालें, वो यहां पुट करें और उसका स्क्वायर ले लें, आंसर आ जाएगा सिक्स बाय फोर, थ्री बाय टू
होल स्क्वायर मतलब आपका आंसर 9/4 आ जाना है। ठीक है बेटे, आपका पार्ट सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। अब आ जाए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट फिर से फ्रैक्शन है, लेकिन अब फ्रैक्शन में एलसीएम लेने से पहले फिर से गौर करें कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है। यहां भी अल्फा बीटा कॉमन है, यहां भी अल्फा बीटा कॉमन है, तो क्या करें, 1/अल्फा बीटा कॉमन ले लें। कॉमन लेने से क्या होगा, यहां पर 1/अल्फा और यहां 1/बीटा बन गया। अब बाहर पढ़ाई हुई चीज में आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नजर आ रहा है, और फ्रैक्शन और ये फैक्टर के अंदर पड़ी हुई चीज क्या है, फर्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बन गया। अब क्या करें, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपका फैक्टर बन गया, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेके फिर सारा प्रोसीजर पहले पार्ट वाला करें, यहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दें और यहां पर फर्स्ट पार्ट वाली वैल्यूज रिप्लेस करके सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। बेटे अब इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, उसमें भी फ्रैक्शन वाली टर्म ही है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन अब कुछ भी आप कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, न्यूमिनेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। अब ये वो न्यूमिनेटर है जिसमें आपको क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो यहां पर सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यूज डायरेक्ट मैंने लिख दी है, क्योंकि प्रीवियस पार्ट्स में आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सम ऑफ द रूट की वैल्यू 5/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू 3/2 आ रही है। जैसे अब आपने स्टार्टिंग पार्ट्स में इस सम ऑफ द रूट्स वाली इक्वेशन का स्क्वायर लिया था दोनों तरफ, क्यों लिया था स्क्वायर, क्योंकि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था, लेकिन अब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, इसलिए अब आप इस इक्वेशन का क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। क्यूब का फॉर्मूला खोलें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इधर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्यूब अप्लाई कर दें। अब बेटा आपके पास, आपको चाहिए क्या बेसिकली, ये न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए आपको, तो वो आपके पास यहां से आएगा। इन दोनों को इक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, बाकी सारी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाए। जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, अब आगे फर्दर आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, सिर्फ क्या करना है, यहां सम की वैल्यू 5/4 पुट करें, यहां प्रोडक्ट की वैल्यू 3/2 पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इक्वालिटी के इस तरफ ले जाके 125/64 के साथ इसका एलसीएम लें। जो आंसर आएगा वो आंसर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होगा, वो आंसर फिर आपने यहां इक्वेशन 1 में पुट करना है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 3/2 लिखकर सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं, आप लोगों ने खुद करनी है कैलकुलेशन। यहां पर सिर्फ इतना डिफरेंस है बाकी पार्ट से कि यहां स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है बल्कि क्यूब का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन आपको दी हुई है, उसके दो पार्ट है, वही प्रोसीजर है बेटे। अब देखें, इस टर्म में आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट करें, यहां प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट करके उसका होल स्क्वायर ले लें, तो बहुत आसान काम है, खुद सॉल्व करें। पहले सम ऑफ द रूट्स यहां से कैलकुलेट कर लें, माइनस एम ओवर एल सम ऑफ द रूट्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एन ओवर एल आएगा, सिर्फ उनको पुट करें और सिंप्लीफाई कर दें। सिमिलरली पार्ट टू है, फ्रैक्शन में आपको टर्म दी हुई है, आप एलसीएम ले लें, और वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर न्यूमिनेटर में आ जाएगा और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर आपने न्यूमिनेटर में कैसे कैलकुलेट करना है, सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर लें, स्क्वायर लेके वहां से इसकी वैल्यू निकालें और यहां पुट करें, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट टू क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा आसान है, वही प्रोसीजर बार बार रिपीट हो रहा है। तो बेटे सिर्फ की पॉइंट्स हैं जो अगर लर्न कर लेंगे तो एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपके लिए इजी हो जाएगी।